संत रविदास की जयंती पर उनकी जन्मस्थली पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर में गए, मत्था टेका और फिर गुरु रविदास के भक्तों के बीच प्रधानमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया। प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि संत रविदास जी की 646वीं जयंती पर समस्त देशवासियों की ओर से उनको श्रद्धापूर्वक कोटि कोटि नमन। इस अवसर पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम के बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। संत रविदास जी के विचारों का विस्तार असीम है, उनके दर्शन और विचार सदैव प्रासंगिक हैं। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। सामाजिक सुधार और समरसता के लिए वह आजीवन प्रयत्नशील रहे। उधर नेताओं के दौरों से बेखबर संत रविदास के भक्त नाचते गाते अरदास करते लाइन में खड़े होकर भक्ति भाव से उनके दर्शन करते रहे। बहुत ही ज्यादा हम बयान नहीं कर सकते हैं, इतनी खुशी है। हमारे गुरु का जन्मदिन है आज, जिन्होंने हमारे लिए कितनी स्ट्रगल की है, बहुत तपस्या की थी और आज हम यहाँ हैं बिकॉज वो थे। यहाँ आकर हम अलाइव जैसे हम जी रहे हैं, सब कुछ भूल जाता है यहाँ आकर। जैसे बेगमपुरा गुरुदास जी ने कहा था अपने अमृत वाणी में, वो ऐसा फील हो रहा है कि हम बेगमपुरा आ गए हैं। देश में गुरु रविदास को मानने वालों की तादाद काफी ज्यादा है। पंजाब में तो करीब 32% अनुसूचित वोट हैं, जिनमें रविदास भक्तों की काफी तादाद है। लिहाजा नेता भी श्रद्धालुओं के वोटों के लिए यहां आते रहे हैं। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, लेकिन कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं को छोड़ बाकी पार्टियों के बड़े नेता नदारद रहे। रविदास प्रेमी है, आज तुमने देखा होगा कि पूरे देश विदेश देश से लोग यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा है। लेकिन नेता की कोई श्रद्धा नहीं होती, जब कोई इलेक्शन आता है तो सभी नेता यहाँ आते हैं, लेकिन इस बार कोई नेता यहाँ आया नहीं। और तुमने देखा होगा कि हमारे लोगों की क्या तकलीफ है इस ठंडी के मौसम में, फिर भी पूरे वोट से लोग यहाँ आए हुए। संत रविदास के जन्म स्थली पर आस्था और श्रद्धा की वजह से लाखों भक्त हर वर्ष यहाँ खींचे चले आते हैं, और भक्तों की इसी भीड़ को देखकर नेता भी इस दरबार में मत्था टेकने आते हैं। लेकिन नेता किस मंशा से यहाँ मत्था टेकने आते हैं, इसे उनके भक्त बाखूबी समझते हैं। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।